हुए, बिछड़े हुए अपने को मानते थे, अब रोते नहीं कि तू कब मिलेगा, अब तो दादागिरी करते कि तू अलग कैसे हो सकता है। देखे जयराम जी बोलना पड़ेगा, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ चखती है, नाक सूंघता है, इन सब में मन की वृत्ति काम करती है। चखना अनेक लेकिन मन की वृत्ति एक, देखना अनेक वृत्ति एक, सुनना अनेक मन की वृत्ति एक। तो ये मन की पांच वृत्तियां, लेकिन मन तो एक है। मन की वृत्तियां हजार हो जाए लेकिन मन एक। और मन को आप निर्णय कर लो कि मुझे जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, तो मन संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि देख, बुद्धि के अनुगामी मन हुआ, और बुद्धि मेरी ठीक है कि नहीं ठीक है उसको जानने वाला जीव है। मेरा जीव घबरा रहा है कि नहीं उसको जानने वाला ज्ञान सत्ता परमात्मा तो सदा है। मन बदला, जीव बदला, बुद्धि बदला, फिर भी जो नहीं बदला वो मेरा है, वो मैं हूं। इस प्रकार का गुरु का प्रसाद जिसने पचा लिया उसको फिर क्या है, क्या फर्क पड़ा। कठिन नहीं है ईश्वर पाना, मुक्ति का अनुभव करना कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता है ऐसे महापुरुषों का मिलना और महापुरुषों में श्रद्धा होना कठिन। एक कोई संत जा रहा है भीड़ में तो लोग बोलते एक मनुष्य जा रहा है, भक्त बोलता है बाबा जी, जिज्ञासु बोलता है कोई ज्ञानी है, लेकिन साधक बोलता है ये तो भगवान के साथ खेलने वाला हमारा तारणहार है। अब व्यक्ति तो वही का वही है, जिसकी जैसी नजरिया वैसा ही तो दिखेगा। आप किसी को नहीं सुनाओ, मैं प्राइवेट बात बता दूं, बता दूं। गांधी जी जा रहे हैं बत्तिया से चंपारण, लोकल गाड़ियां थी, रात्रि का समय था, वो वृद्ध लेटे थे, 3:30-4 बजे कोई लोकल ट्रेन कहीं ठहरी थी। एक किसान युवा गाड़ी में बैठा और गांधी के पैरों को खदेड़ते हुए कहा कि ए बुढ़े, गाड़ी तेरे बाप की है क्या, ठीक से बैठ। गांधी जी संयम और समा की मूर्ति चुपचाप बैठ गए। उसने अपने झोली झंडे में से ढपली निकाली, धन धन गांधी तेरा नाम, अमर रहेगा काम। ओ महाराज गांधी के गीत गाने लग गया, और गांधी जी का तो मत गया, और गांधी जी के गीत गाने, और फिर गांधी जी को कोसने लगा कि देखो एक मोहनलाल करमचंद गांधी वकीलात छोड़ दी और देश के लिए इतना काम करता, और बूढ़ा तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, नालत है तेरे जीवन को। गांधी जी सुने जा रहे, जब चंपारण या महात्मा गांधी जिंदाबाद, अंग्रेज भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जिंदाबाद। बोले देख मैं गांधी का प्रवचन सुनने आया। अच्छा तुम जाओ। तो एक दरवाजे से उतरा, भीड़ को देखा तो भीड़ उसी दूसरे दरवाजे पे, जब गांधी उतरे तो सूत्र की माला पहराई, सूती माला अरट की कहाँ थी गांधी जी को। पूछा ये कौन है बूढ़ा, बोले महात्मा गांधी। बोले डर तेरे की, मैं तो इनके साथ था, इनको कोस रहा था, ये गांधी जी। प्रवचन सुना और शाम को जहां गांधी ठहरे थे वहां गया, फुट फुट कर रोया, महात्मा बापू जी मेरे को माफ कर देना, मैंने आपको पहचाना नहीं, सुबह आपके पैर खदेड़ दिए थे और आपको कोसा था मैं, वही पाप। बोले कोई बात नहीं, मैं तो तेरे से 1 इंच दूर था, लेकिन तेरा राम सदियों से तेरे साथ था, उसको भी तू कोस रहा है तो मेरे को कोसा तो क्या बड़ी बात है। मैं तो कुछ नहीं बोला, वो तो बार बार बोल रहा है कि ये न कर और ये कर, फिर भी उसको कोसते कोसते जीव मनमानी करता है, इसीलिए दुखी है भैया। आश्चर्य होता है कि उसने गांधी जी को कोसा, लेकिन हम गांधी जी के गांधी जी को कितना कोस रहे, लेकिन वो कितना दयालु है। सदियों से वो हमें रोकता है टोकता है, लेकिन हम वासना के वेग में कर्म करते हैं, हमारे हृदय की धड़कने विपरीत होती, इनकार करते, फिर भी वासना के वेग से हम कर डालते। सुख की लालच में हम ऐसे नहीं कि अज्ञानी हैं, हम जानते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब लोग जानते हैं, लेकिन वासना के वेग से
बेवकूफी के वेग से हम अकरणीय कर लेते हैं। इसलिए हमारा अंतर आत्मा परमात्मा साथ में होते हुए भी हमें पराया लगता है कि कहीं मंदिर में होगा, कहीं मस्जिद में होगा, कहीं मरने के बाद स्वर्ग में होगा। नहीं, जो अभी यहां नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो यहीं मिलेगा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता, तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्यसे शाश्वतम। आप शाश्वत सुख पाइए ना। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि ये तो देख लिया ना, अब शाश्वत सुख पाने का इरादा करिए, शाश्वत ज्ञान पाने का इरादा, शाश्वत प्रभु रस पाने का इरादा करिए। बस एक बार इरादा करिए, बस विल फाइंड ए वे जहां चाह मारा। मंत्री बनने का इरादा करते तो कितने धक्के मुक्की सा के भी लोग बेचारे मंत्री हो जाते, फिर भी देखो तो 5-10 साल के बाद है। जो 10 साल पहले मंत्री थे अभी कोई पूछता नहीं, किनारे पड़े बेचारे। 20 साल पहले जो बड़े ऊंचे पद पे थे अभी बेचारे बुढ़ापे में। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मुझसे मिले, मैं क्या क्या हाल है, बोले बापूजी देख लो, जयराम जी की। ये संसार जो सरकता जाए वो संसार कब तक थामोगे। वे लोग धन भागी हैं कि पद प्रतिष्ठा योग्यता होने के बाद भी सत्संग खोज लेते हैं, संतों के द्वार आ पाते हैं। वो कोई साधारण मंत्री नहीं, साधारण सेठ नहीं, साधारण जज नहीं, साधारण मनुष्य नहीं है। वे पृथ्वी पर के देव हैं जो आत्मदेव का सत्संग सुन पाते हैं। स्वर्ग के देवता तो अपना पुण्य नष्ट करके भोग भोगते हैं, लेकिन पृथ्वी के देव पाप नष्ट करके अपने परमात्मा को पाते हैं। व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी ने सत्संग आरंभ किया। अपने आप में डूबे हुए महापुरुष जब लोगों के मंगल की भावना से संकल्प करके बोलने को ही थे, तो आकाश से आए हुए देवताओं ने मानसिक प्रार्थना की कि आप जो सत्संग सुनाएंगे संकल्प करके तुम्हारे परीक्षित शिष्य को और भक्तों को, महाराज वो प्रसाद हमको मिल जाए और बदले में तुम्हारे शिष्य परीक्षित को हम स्वर्ग का अमृत मिला देंगे। सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते अप्सराएं मिलती, और सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश होते परमात्मा मिलता है। स्वर्ग का अमृत पीने वाला भोगी बनता है और सत्संग का अमृत पीने वाला योगी बनता है। स्वर्ग के अमृत के बाद पतन है और सत्संग के अमृत के बाद उत्थान है। तुम्हें कांच का टुकड़ा देकर हीरा लेना चाहते हो, ये क्रय विक्रय करना चाहते हो, देवताओं की हंसी उड़ा दी उस महापुरुष ने, इनकार कर दिया, देवताओं को वापस कर दिया। यह वह सत्संग है। तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ में गए, नियम पाला, दूसरे का चीज वस्तु का उपयोग नहीं किया तो आपको तीर्थ में धर्म लाभ होगा। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों को फलित होने का पुण्य आपके भाग्य में लिख दिया गया। सतगुरु मिले अनंत फल, सत्य में जिसने विश्रांति पाई, सत्य स्वरूप आत्मा को जो मैं जानते, मरने वाले शरीर को जो मैं नहीं।